मेरे भगवान श्री कृष्ण को अगर इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, अगर इतिहास ये कहता है और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूँ, ये कृष्ण की पूजा कभी ना कभी तो इन्होंने की होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ एज फॉर एज माई नॉलेज इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी ना कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान है कि नहीं, अगर है तो वो भगवान हमें हमारे वापस दो। अयोध्या की पहचान भगवान राम से, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से, और मथुरा की पहचान वहां पे भगवान श्री कृष्ण से, और पूरी दुनिया में यही पहचान है, कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं। फिर अगर एक मस्जिद वहां पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहां पे। अब ये शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका क्या मतलब हुआ? अयोध्या काशी, यहाँ हिंदुओं का प्राण बसता है, एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं, ये तीन जगह आप हमें दे दो, तीन जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे, ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। जो उसके अंदर जो है कहते हैं खोदने के बाद में जो मूर्तियां पाई गई हैं वो गौतम बुद्ध जी की पाई गई हैं, जय श्री राम जी की जय नहीं पाई गई, तो वहां पर श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं। सरहान साहब, आप जा रहे हैं कांग्रेस नेता के उस बयान पर जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो सेंटीमेंट्स पर आया, फैक्ट्स पर नहीं आया, ये आप उस पर जा रहे हैं। एक बार इनको ये समझा दीजिए, कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आपकी मांग क्या? तो देखिए, मैं आपको, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं, हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन से ये कहा था कि भैया तुम एक काम करो, भाई भाइयों लड़ाई मत करो, तुम एक काम कर लो, तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। बोले आधा राज्य में नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, तो वो कुछ 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकता। फिर कहा कि भैया 5 गांव दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 5 घर ही दे दो, महल ही दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। तो अंत में उसने कहा बिना युद्ध न के सब, मैं बिना युद्ध के कुछ दूंगा ही नहीं। हमने यही युद्ध जरूरी है, इसका मतलब नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, आप बीच में फिर वही प्रॉब्लम है। मेरा निवेदन है जब आप बोलेंगे, मैं आपको वादा करता हूं मैं नहीं बोलूंगा, जब आप खत्म कर लेंगे तभी बोलूंगा, लेकिन मुझे बीच में ना रोकें। मेरा आग्रह यह है, युद्ध ही तो है, कोर्ट में चले गए, जाना पड़ा कोर्ट में, जाना पड़ा ना, क्यों जाना पड़ा? मेरे भगवान श्री कृष्ण को अगर इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, अगर इतिहास ये कहता है और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूँ, ये कृष्ण की पूजा कभी ना कभी तो इन्होंने की होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ एज फॉर एज माई नॉलेज इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी ना कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। अब अगर माथा टेका है और उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया, और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा था भाईचारे के नाते कि बैठो भैया, हम लोग ऐसे आजकल मशीन है जिनसे हम लोग ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कुछ है कि नहीं अंदर, खोदने बोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पता कर सकते हैं। ऊपर से अगर पता करेंगे तो उसमें नुकसान तो किसी का होना ही नहीं। ठीक है, तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान है कि नहीं, अगर है तो वो भगवान हमें हमारे वापस दो। सर यही दावा, अभी नहीं, अब आपका नहीं, 10 सेकंड, यही दावा जो इन्होंने किया है जामा मस्जिद आगरा के लिए, यही दावा चक्रपाणी महाराज ने जामा मस्जिद दिल्ली के लिए किया है कि साहब वहां भी मूर्तियां रखी हुई हैं। इनकी बात को सही माने, उनकी बात को सही माने, ठीक है, ये अभी जवाब देंगे। देखिए, एक मिनट जवाब दीजिएगा, एक मिनट, आपके पास जा रहा हूं सर। मुमताज आलम रिजवी जो ये कह रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के का सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि उसके नीचे मूर्तियां हैं कृष्ण भगवान की, भगवान केशव देव की या नहीं, आप इस मांग को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब ये कथा करते हैं तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कई बार जब ये सियासी बातें करने लगते हैं तो ये अपने ट्रैक से अभी लग रहा है कि हट जाते हैं। जहाँ तक वहाँ पे मूर्ति है नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो मथुरा है हमारा, या काशी है, या अयोध्या, इसकी पहचान जो है, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से है, और पूरी दुनिया में यही पहचान है, कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहां पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहां पे, कौन सी उसमें परेशानी है? वहां उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आंच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है? क्यों आप वहां पे तलाश कर रहे हैं? और फिर जब हम आज चांद का सफर कर रहे हैं, हम चांद पे तलाश कर रहे हैं जमीन, आप जो है जमीन खोदे पड़े हुए हैं कि जमीन खोद करके देख लीजिए, तो चांद का सफर कीजिए ना, कितनी अच्छी बात है। हमारा चंद्रयान 3 जो है वहां पे जा रहा, हम वहां नहीं देख रहे हैं, मतलब चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं ना? आप ये कह रहे हैं चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक अगर देख रहे जवाब, एक मिनट गुरु जी से, कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी शुरू में बात की
तो आप देखिए कि जितने सबसे ज्यादा नजीर अकबराबादी ने भगवान श्री कृष्ण पे नज़में लिखी वो आज भी मंदिरों में गाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि भगवान कृष्ण किया था कि एक मस्जिद तो वहाँ एक रहने दो, भाईचारा चलने दो, क्या परेशानी, क्यों भाईचारा नहीं चाहते आप? मैं हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ जितना भाईचारा मैं चाहता हूँ इनमें से कोई नहीं चाहता होगा। ये गारंटी कैसे आप कर सकते हैं? ये गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? अभी 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 जस्ट शुरुआत हुई है, ये मुखालफत पे आ गए। नहीं 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 नहीं, मैंने भाईचारे आप नहीं आए तो वो आ गए। मैंने शुरुआत ही भाईचारे से, तो ये आ गए। अच्छा देखिए सुनिए, हमने भाईचारे से ही शुरुआत की थी जी। आपने भी, आप कैसे जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है? अभी जी 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 नहीं, अर्ज कीजिए जी, बोल रहे हैं। आपने एक इल्जाम बड़ा लगा दिया, शुरू हो जाने दो। आपने कह दिया ये भाईचारा नहीं चाहते, अब ही शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका आने मतलब हुआ? अब मेरी बात सुन लो, मैं उनका जवाब दे दूं थोड़ा। नहीं, भाईचारे का मतलब ये है कि हम मस्जिद दे दें? नहीं नहीं नहीं, आप उस मस्जिद को ना रहने दो, ये तो भाईचारा है। अगर आप वो मस्जिद तोड़ लो बाबरी मस्जिद की तरह, तो फिर हम कहें कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो ये भाईचारा नहीं है। ठीक, आप जवाब, आप जवाब, आप जवाब, देखने जवाब। बड़ी बात है, भाई साहब ने कहा कि एक मस्जिद रहने दो, अभी तक रही रही है, अभी तक रही रही है। प्रश्न यह है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और जिस स्थान पर ईदगाह है उसी स्थान पर वो कंस की कारागार है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक, वही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, भाईचारे की बात ये कर रहे हैं, तो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां आज कोई भी कृष्ण प्रेमी जा नहीं सकता, वहां पुलिस वालों ने उनको रोक के रखा हुआ है कि जन्म स्थान पे आप नहीं जाओगे, जो बाहर पूजा का स्थान बना रखा आप वहां जाएंगे। कोई भी कृष्ण प्रेमी कितने सालों से उस प्रमुख स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को नमन नहीं कर सका। हमें इनकी मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक थी नहीं, आगे होगी नहीं। मैंने एक बार टीवी चैनल में कहा था, मथुरा अयोध्या काशी यहाँ हिंदुओं का प्राण बसता है, एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं, ये तीन जगह आप हमें दे दो, तीन जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे, ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। 10 सेकंड मैं आपके पास, अभी मेरा जवाब हो जाए। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड कहा था और ये राम मंदिर पर निर्णय आने से पहले कहा था। आज भी इस स्थिति में कोर्ट से ही ऑर्डर आया राम मंदिर का, आपने भाईचारा नहीं निभाया। वो ऑर्डर नहीं है, अब मेरी बात, एक वो समाधान है, नहीं बहुत समाधान है, ऑर्डर नहीं है, ऑन मेरिट ऑर्डर नहीं है। अगर ऑन मेरिट ऑर्डर आता तो शायद जगह मंदिर के हक में फैसला नहीं आता। हूँ आपको, जो उसके अंदर जो है कहते हैं खोदने के बाद में जो मूर्तियां पाई गई हैं वो गौतम बुद्ध जी की पाई गई हैं, जय श्री राम जी की जय नहीं पाई गई, तो वहां पर श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं सर, तो फिर बुद्ध का जाकर मंदिर बनना चाहिए। एक मिनट सर, ये एक मिनट कामरान साहब, उस जो कामरान साहब आप जा रहे हैं कांग्रेस नेता के उस बयान पर जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो सेंटीमेंट्स पर आया, फैक्ट्स पर नहीं आया, ये आप उस पर जा रहे हैं। हमें तो इतना कानून पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आता है वो फैसला होता है। उनकी बात पूरी होगी, साजिद रशीदी साहब बीच में नहीं टोकेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। क्यों ले जा रहे हो आप? पांच है आप तो उधर मौका ज्यादा जाएगा, इधर पांच है इधर मौका कमाएगा, ये जाहिर सी बात है। आप नहीं चलाएंगे,